आपके ही अपने YouTube चैनल चोपड़ा एजुकेशन में मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एडमिशन के टाइम में आपको मेडिकल कॉलेज में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। और समय रहते अगर डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए जाए तो आपको एडमिशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और एडमिशन के टाइम में कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, किस डॉक्यूमेंट्स की कितनी वैलिडिटी है, कास्ट सर्टिफिकेट की कितनी वैलिडिटी है, कब का बना होना चाहिए, ये इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडमिशन के लिए जब डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एडमिशन के लिए और उनको आपने अभी बनवा लेना है क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, एग्जाम खत्म हो चुकी है, अब आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने बुक लिख दी है। तीन प्रकार की बुक है, ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट की, आयुष वेटनरी की, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे आप टेलीग्राम चैनल चोपड़ा एजुकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको वो सब कुछ समझा दिया है जिसकी आपको जरूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये समझाया है, कट ऑफ क्या रही थी प्रीवियस ईयर में उसके बारे में भी बताया है, सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, स्टेट बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड, कौन कौन से स्टेट में क्या सर्विस बॉन्ड है इसके बारे में, स्टेट कोटा की बुक को भी इसमें ये बताया है कि आपके स्टेट में टॉप से लोएस्ट की कॉलेज कौन सी है, किस क्रम में आपको फिल करना है, फर्स्ट राउंड का क्या प्रोसीजर है, सेकंड राउंड, सब कुछ मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो है नीट का एडमिट कार्ड। एक नंबर पर मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, नीट 22 एडमिट कार्ड। आपने अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, बीडीएस में एडमिशन लेना है या नीट के थ्रू जितने भी कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेना है तो नीट का एडमिट कार्ड आपको जरूरी रहेगा। ये एडमिशन के टाइम में आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पास अगर इसकी डाउनलोड कॉपी है तो ठीक है, नहीं तो ये अभी भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, एनटीए नीट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लें इसको। ये बहुत ही जरूरी है, इसके दोनों पेजों की रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन के टाइम पर, तो वो आप डाउनलोड कर लें वेबसाइट से अगर आपके पास में नहीं है। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबसे जरूरी है, पहला डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है टेंथ क्लास की मार्कशीट। ये आपके लिए बेहद ही जरूरी है, टेंथ की मार्कशीट। अब इसके साथ साथ टेंथ की मार्कशीट के साथ साथ टेंथ के सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आजकल इसी मार्कशीट में सर्टिफिकेट आ रहा है और सभी स्टेट में मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो मैं सोचता हूं कि सर्टिफिकेट की आवश्यकता अलग से नहीं होती क्योंकि वो मार्कशीट में ही होता है। अगर किसी स्टेट में अभी भी मार्कशीट के अलावा टेंथ का सर्टिफिकेट होता है तो वो भी आप सर्टिफिकेट ले लें मार्कशीट के अंदर, जिसके अंदर फोटो लगी है आपकी मार्कशीट के अंदर, अगर फोटो लगी है तो उसमें मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट भी है। अब इस मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आपको अलग से किसी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आजकल टेंथ की मार्कशीट में सभी स्टेट में डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन की जाती है, तो मैं सोचता हूं अलग से आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अपने मार्कशीट में चेक कर लें, अगर आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको अलग से डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो है ट्वेल्थ की मार्कशीट। ट्वेल्थ क्या है, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, यानी कि ट्वेल्थ पास होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पास होना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है इसमें, तो ये ट्वेल्थ की मार्कशीट आपको चाहिए। ये जो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
लगेंगे आपके एडमिशन के टाइम में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ही रिक्वायरमेंट है, ये सारे ओरिजिनल ही होने चाहिए। अब इसमें इसके सर्टिफिकेट की और आवश्यकता होती है, तो इसमें काफी सारे स्टेट्स में सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ ही आता है जिसमें फोटो लगी होती है, लेकिन सीबीएसई वगैरह में अलग से, जैसे कि 1917 इनमें अलग से सर्टिफिकेट आता था 12th का सीबीएसई के एग्जाम में। तो आप ये चेक कर लें आपकी मार्कशीट में सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आप स्कूल जाकर के अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें 12th का वहां से। तो ये आपको 12th की मार्कशीट पब्लिक सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट में टीसी की जरूरत है, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में आप हायर स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसे टीसी कहा जाता है। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ठीक है, नहीं तो आप स्कूल से जाकर अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें। अब यहां पर एक डाउट है, जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट या तो अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से ले लें, या फिर उनके पास में अगर 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग जो एग्जाम है वो 12th है, लेकिन ये ओरिजिनल होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बाद में, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ में ही एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये भी स्कूल द्वारा जारी किया जाता है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल द्वारा जारी किया जाता है, टीसी के साथ ही दिया जाता है। और ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको किसी किसी जगह ये करेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और किसी जगह स्टडी एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपने अपने स्कूल से ले लेना है। जो बीएससी कर रहे हैं बच्चे या कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, तो जो टीसी के साथ में, जहां से टीसी लेंगे वहां से ये सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें। इसके बाद में एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये होता है कि एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में आप जाते हैं तो पहले वाले बोर्ड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, इस प्रकार की इसमें लिखावट होती है। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी। तो अगर ये तीन चीजें आपके पास फिलहाल नहीं है, टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये आप स्कूल से जाके कलेक्ट कर लें, ये आपको रिक्वायरमेंट होगी। ये जो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, ये ऑल इंडिया में भी रिक्वायरमेंट है इनकी, और स्टेट में भी रिक्वायरमेंट है। मैं दोनों के लिए कॉमन बता रहा हूं, फिर ऑल इंडिया के लिए मैं अलग से बता दूंगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये आप नोट कर लो, 7 डॉक्यूमेंट्स। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे 8वां डॉक्यूमेंट्स। अब मैं बताऊं आपको, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो होती है कास्ट सर्टिफिकेट। 8वां जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं आपको वो होती है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट पे जो हमारे यहां पर इंडिया में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इतनी सारी कास्टें हैं, इनके लिए, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बाकी कैटेगरी है, 4 कैटेगरी होगी, ओबीसी होगी, एससी होगी, ईडब्ल्यूएस होगी, एसटी होगी, इन 4 कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूं, एक नंबर पॉइंट पर ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए आवश्यकता है, 3rd नंबर पर एससी कैटेगरी के लिए है, और 4th नंबर पर एसटी कैटेगरी। अगर आप इन कास्टों से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अब हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले ओबीसी की। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, अभी इन 2 सर्टिफिकेटों की वैलिडिटी होनी चाहिए, ये बने हुए होनी चाहिए 1/1/2022 के बाद, 1 जुलाई 2022 के बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, वही मान्य होगा। ये जो एनटीए का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था उसमें बाकायदे ये लिखा था, आपने कोई सा भी सर्टिफिकेट अपलोड किया हो इससे पहले कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एडमिशन के टाइम में, अगर आप सेंट्रल में एडमिशन ले रहे हैं एमसीसी की काउंसलिंग ऑल इंडिया से, या स्टेट में भी ले रहे हैं, तो आपको 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट होता है, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। अगर आपके पास पहले का बना हुआ है, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, जो भी बना हुआ है वो मान्य है। एससी एसटी का एक ही बार सर्टिफिकेट बनता है, वो मान्य है।
लेकिन आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, तो इसको आप अभी बनवा लें, अपने स्टेट से पता कर लें, ये तहसीलदार से बनता है, मजिस्ट्रेट से बनता है, किससे बनता है अपने स्टेट में, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग अथॉरिटी है इसके बनवाने की, तो आप अपने स्टेट से पता कर लें कि आपको ये कहां से बनवाना है। आजकल तो ये ऑनलाइन ही बन रहे हैं। अब हम इसमें बात करें ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट की, तो ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एमसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसमें ओबीसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आपकी कास्ट का नाम होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट है कास्ट की ओबीसी की, उस पर आप गूगल सर्च करके देख लें, उसमें आपका अगर आपके स्टेट का आपकी कास्ट का उसमें नाम है तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके दो सर्टिफिकेट बनते हैं, एक स्टेट का अलग बनता है और एक ऑल इंडिया के लिए मतलब सेंट्रल का अलग बनता है। तो अगर आप सेंट्रल की कास्ट में आते हैं ओबीसी में तो आपको सेंट्रल का बनवाना होगा एमसीसी के एडमिशन की कंडीशन में, अदरवाइज आप स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टेट का आपको जरूरी है ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो आप ये सर्टिफिकेट अभी बनवा लें। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की बात करें हम, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी किसी किसी स्टेट में दो प्रकार के होते हैं और किसी किसी में एक ही होता है, किसी स्टेट में सेंट्रल का भी होता है, स्टेट का भी होता है और किसी में एक ही होता है, क्योंकि वो इसमें जो ईडब्ल्यूएस की रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग बनता है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में एक ही दो सर्टिफिकेट बनते हैं, उसमें 8 लाख की कंडीशन स्टेट के लिए है, बाकी सेंट्रल के लिए जो भी कंडीशन है उसमें जमीन की कंडीशन है, उसमें 8 लाख की कंडीशन है, उसमें अलग अलग आपकी म्यूनिसिपलिटी में इतना प्लॉट होना नहीं चाहिए, ये सारी कंडीशन उसमें है, तो आप अपने स्टेट से पता कर लें कि आपके स्टेट में एक ही सर्टिफिकेट बनता है या दो बनते हैं। अगर आपका स्टेट का अलग बनता है ईडब्ल्यूएस के लिए तो आप ईडब्ल्यूएस का स्टेट का भी बनवा लें और सेंट्रल का भी बनवा लें। तो ये हो गई कास्ट सर्टिफिकेट की बात, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, आप अब इस टाइम में इस सर्टिफिकेट को अवश्य बनवा लें। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ये स्टेट और ऑल इंडिया में दोनों में ही लगेंगे। इसके बाद में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आईडी प्रूफ, अब आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो चलेगा, इसके बाद में अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो चल जाएगा, ये आईडी प्रूफ में चलेंगे आपकी। तो आधार कार्ड जनरली सभी के पास होते हैं तो इसमें आईडी प्रूफ आपका भी लगेगा और आपके फादर मदर का भी यानी आपके पेरेंट्स का भी लगेगा इसमें। तो मैं सोचता हूं आधार कार्ड आजकल सभी के पास में है, आधार कार्ड आप लगवा सकते हैं। किसी किसी कैंडिडेट के प्रॉब्लम है आधार में, जैसे मार्कशीट में उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार में अलग है, नाम में चेंजिंग है, तो उसी हिसाब से आप अपना आधार में करेक्शन करवा लें। आपका आधार में करेक्शन 5 या 4 दिन में होके आ जाता है, तो आप ये करेक्शन करवा लें एडमिशन से पहले पहले। अब इसमें जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो 8 से लेके 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये वही फोटोग्राफ होने चाहिए जो आपने नीट का फॉर्म अप्लाई किया था उस समय अपलोड किया था, वही फोटो आप 8 से 10 फोटो मैं तो बोलता हूं इससे भी ज्यादा आप बनवा के रख लें, तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास में बहुत ही जरूरी है। 8 से 10 पासपोर्ट कलर साइज के, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किए थे नीट का फॉर्म अप्लाई करते समय। इसके बाद ये तो डॉक्यूमेंट्स आपने अभी तैयार करके रख लेने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार करके रख लेने हैं। इसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के बाद के डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर रिजल्ट, रिजल्ट के बाद के डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबसे पहले आप एमसीसी की वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे या कहीं के लिए भी, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो उसका अलॉटमेंट लेटर आपको जरूरी है कॉलेज में एडमिशन के लिए, अलॉटमेंट लेटर आपको जरूरी है इसमें। दूसरा, नीट का अगर रिजल्ट आ जाता है तो नीट के रिजल्ट की कॉपी, रिजल्ट की कॉपी, स्कोर कार्ड की कॉपी, कहीं कहीं आपको लिखा होगा नीट 22 मार्कशीट, कहीं लिखा होगा स्कोर कार्ड, कहीं लिखा होगा रिजल्ट की कॉपी, तो ये सारे एक ही हैं, तो ये दो चीज आपको रिजल्ट आने के बाद में चाहिए अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो। अब इसके अंदर अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर कोई कैंडिडेट
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, और वो जो पीडब्ल्यूडी बोर्ड है अलग अलग जगह, जैसे वीएचयू में है, वीएमएमसी में है, स्टेट में है अलग अलग, जैसे एसएमएस में है, तो उन जो डिसेबिलिटी बोर्ड है उनसे ये सर्टिफिकेट आपको लेना है और आपको प्रोड्यूस करना है। ये इस बार एक नोटिस भी आया है कि ये ऑनलाइन ही होगा इस बार, तो अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो वो ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। ये रिजल्ट आने के बाद में ये बोर्ड गठित होता है, एनएमसीसी अपना प्रॉपर एक पब्लिक नोटिस देगा, उसके अंदर ये दिखाएगा कहां कहां बोर्ड है और कहां कहां आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये तो सारे हो गए स्टेट के लिए, सॉरी ऑल इंडिया के लिए डॉक्यूमेंट्स, और स्टेट के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब अगर आप स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके स्टेट से बनेगा जिस स्टेट के लिए आप इलिजिबल हैं। कुछ स्टेट अपने रेजिडेंस के हिसाब से डोमिसाइल रखते हैं, कुछ स्टेट 10+2 यानी कि 11-12 की क्राइटेरिया के हिसाब से रखते हैं, तो आप अपने स्टेट से पता कर लें कि कौन से स्टेट में डोमिसाइल की जरूरत है, या कौन सा स्टेट 11-12 के बेसिस पे एडमिशन लेता है। जो 11-12 के बेसिस पे एडमिशन लेता है उसमें मार्कशीट की जरूरत होती है, जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, तो ऐसे स्टेट है जहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वो मार्कशीट की ही आवश्यकता होती है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपने स्टेट अथॉरिटी से बनवा के रख लें। जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है, जो एमसीसी के थ्रू आप 15% ऑल इंडिया कोटा, एम्स वगैरह, डिम्ड वगैरह, इनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो सारा डोमिसाइल फ्री है, उसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता रहती है स्टेट के लिए। तो ये तो हो गए कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो आपको अभी बनवा के रख लेने हैं, इनका एक किट तैयार कर लो अलग से, इन डॉक्यूमेंट्स को अलग रख लो, जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो आप तैयार कर लो, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। अब जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के बाद, एडमिशन के टाइम में लगेंगे। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं, तो आप उनको अभी बनवाने की जरूरत नहीं है। आपका जब अलॉटमेंट हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के लिए आपको कॉलेज में जाना है, उससे पहले बनवा ले आप, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जरूरत होती है गैप सर्टिफिकेट की। गैप सर्टिफिकेट का मतलब यह होता है कि आपने 12th क्लास पास कर ली, उसके बाद आपने एक साल ड्रॉप ले लिया, आप ड्रॉपर हैं, एक साल, दो साल, तीन साल, तो बीच में गैप लग गया 12th के बाद में, तो ये गैप सर्टिफिकेट होता है। 100 रुपए का एफिडेविट ले लें, 50 रुपए का एफिडेविट ले लें, और कोर्ट में ये बनता है, उस पर ये लाइन लिखी जाती है कि मैं नीट की तैयारी कर रहा था, इस कारण मेरा ये एक साल या दो साल जितना भी है गैप हो गया है, तो ये एक एफिडेविट बनता है, उसकी नोटेरी आप करवा लें। तो ये नॉर्मली सी कोर्ट में 10 मिनट का काम है, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये एडमिशन के टाइम में बन जाएगा गैप सर्टिफिकेट। अब इसमें ज्यादातर जरूरत होती है, ज्यादातर स्टेट में, किसी किसी स्टेट में ज्यादातर क्या, किसी किसी स्टेट में इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कर्नाटका में इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, तो वो इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कर्नाटका में RGUHS जो वहां की यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी, वहां से ऑब्टेन करना है, वो ऑनलाइन ही ऑब्टेन करना होता है। तो ये एडमिशन के टाइम में भी लग जाएगा। कर्नाटका स्टेट में अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजेज में एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये एडमिशन लेने के बाद भी आप इसको अप्लाई करके मंगवा सकते हैं, RGUHS से कॉलेज आपको टाइम देगा। ये तो होगी कर्नाटका की बात इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की। लेकिन अगर आप तमिलनाडु स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तमिलनाडु स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के, अगर ऑल इंडिया कोटा से आपका एडमिशन हो रहा है तो इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम में जरूरत पड़ेगी तमिलनाडु स्टेट में। अगर आप वहां के प्राइवेट कॉलेजेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म फिल करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी, और जो तमिलनाडु के कैंडिडेट्स हैं उनको भी फॉर्म फिल करने के टाइम में इसकी जरूरत पड़ती है इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की। अब ये जो इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनता कहां से है, तो ये MGR यूनिवर्सिटी से बनता है। DR MGR यूनिवर्सिटी के आप साइट सर्च करेंगे तो वहां पर आपको एक टेप मिलेगा इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का, वहां से आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसकी फीस 1600 है, आप जो मेल आईडी देंगे 2 या 3 दिन में उस मेल आईडी पर बन के आ जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ऑल इंडिया से एडमिशन ले रहे हैं तो उसके बाद बनवा लें, अगर आप प्राइवेट के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो रिजल्ट आने के बाद इसके लिए इसकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर दें तो ये आपका इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा बाकी सारे काफी सारे स्टेट में बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, सर्विस बॉन्ड की होती है, डिसकंटिन्यू बॉन्ड की होती है, कोर्स
का आप बीच में छोड़ते हैं उसके, तो ये बॉन्ड की आवश्यकता होती है वहां। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेट आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहां कॉलेज से आपको मिल जाएगा, ये आपको एडमिशन के टाइम में ही जरूरत है बॉन्ड की उस समय ही जरूरत है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स थे ये, मैंने आपको बता दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके अलग किट बना लें, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है स्कूल से ले लें, या फिर आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तहसील से या कहीं से भी आपको बनवाने हैं ये तैयार कर लें। समय समय पर जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको दे देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक जरूर करना है। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।